मैं समय जम्मू के पॉलिटेक्निकल कॉलेज में हूं और यहां पर छात्र और टीचर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको बताऊं, पहले स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्जाम के लिए बहुत लंबे वक्त तक प्रदर्शन करते रहे जिसमें बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन पॉलिटेक्निकल कॉलेज ने उसके बाद इनके ऑफलाइन पेपर ही करवाए। लेकिन अब जब पेपर हो गए हैं, अब कई बच्चों का ये इल्ज़ाम है कि एग्ज़ाम में चेकिंग अच्छी तरह से नहीं हुई है, जिस कारण बहुत सारे बच्चों के कम मार्क्स हैं। अब ये चाहते हैं कि कम जल्दी से रिवैल्यूएशन हो, इनको आंसर कीज रिलीज की जाए ताकि इनको पता चल सके कि इनकी परफॉर्मेंस कैसे थी, जो इन्होंने एग्ज़ाम्स दिए थे वो इन्होंने कितना उसमें अपना अचीव किया और आखिरकार एग्जाम्स चेक कैसे हुए हैं। ये इनके टीचर हैं और ये तमाम स्टूडेंट्स हैं। साफ तौर पे पहली बार इस तरह से देखने को आ रहा है जहाँ पे टीचर साथ में अलग अलग सेमिस्टर के बच्चे भी प्रदर्शन कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राहुल है। राहुल जी आप इनके टीचर हैं, ये अलग अलग टीचर हूँ। अच्छा, ये पहले तो ये ऑनलाइन एग्जाम के लिए प्रदर्शन करते रहे थे बहुत लंबे वक्त तक, आप लोगों ने फिर कॉलेज ऑफलाइन एग्जाम करवाए, अब दोबारा इनका इशू बन गया है। सर एक्चुअल में हुआ क्या है कि जब लास्ट टाइम कोविड हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, तो इन बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हुए थे उस टाइम पे। तो वो जो इशू आपका है वो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर 2020 वाले बच्चों का था। उनका इन्होंने एग्ज़ाम जो था एक साल बाद कंडक्ट किया, जो कि उनको भी मास प्रमोशन दी जा सकती थी, लेकिन उनको मास प्रमोशन नहीं दी, उनको अपने ही तरीके से इन्होंने ऑफलाइन एग्जाम लास्ट एक साल बाद कंडक्ट किया। उस टाइम पीरियड का कौन जिम्मेवार है जो बीच में उनका स्पॉइल हुआ? उसके बाद ये थर्ड और फिफ्थ वाले हैं जो एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में हुआ, नवंबर दिसंबर 2020 में एग्ज़ाम इनका होना था, इनका मार्च में कंडक्ट किया एग्ज़ाम, और मार्च में कंडक्ट किया और कंडक्ट भी क्या किया है, इसका मोड ऑफ जो एग्जामिनेशन है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने रखा मल्टीपल चॉइस के 25 क्वेश्चन ये डालते हैं और 25 में से 10 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि हमारे 10 से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हैं, लेकिन टेक्निकल बोर्ड ने हमको फेल किया हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि हमको आंसर की चाहिए, आप आंसर की दीजिए, हम टैली करें कि हमारी गलती कहाँ पे है। क्योंकि इन्होंने जो पेपर डाला था वो भी इन्होंने वेबसाइट्स के ऊपर से उठा के डाला हुआ है, ऑनलाइन जो प्रिपरेशन वेबसाइट्स होती हैं वहाँ से इन्होंने पेपर उठा के डाला हुआ है जो हायर लेवल की थी, इन बच्चों ने फिर भी पेपर दिया। अब ये चाहते हैं कि हमें आंसर की दी जाए, हमें हमारे रीचेकिंग के फॉर्म निकले ताकि हम देख सकें हमारी गलती कहाँ पे हुई है। कितने कौन से सेमेस्टर के बच्चे हैं जिनको ये इशू आ रहा है अभी? सर ये थर्ड वालों को आ रहा है, फिफ्थ वालों को आ रहा है, और कईयों को तो एबसेंट मार्क कर दिया हुआ है इन्होंने पेपर के अंदर। अच्छा, जो पेपर देने गए थे उनको एबसेंट मार्क किया, उनको भी बोल रहे हैं एप्लीकेशन दो आप। मतलब वो वजह क्या, कोविड का ये सारा उसी क्रम में कहीं ना कहीं ये पूरा इस चीज़ पर लूप होल रहा कि ध्यान नहीं दिया गया? सर कोविड का तो ज़रूर है यहाँ पे, कोविड का चलो हम कहते हैं कि वो है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से फिर भी पेपर होते हैं या आप मैनिपुलेट करोगे सिस्टम के अंदर? अगर लूप होल्स हैं, हम मानते हैं कि गलती हो सकती है क्योंकि कोविड था, किसी के भी हाथ में नहीं है कोविड, लेकिन उसके लिए ये बलि के बकरे ये थोड़ी ना बनेंगे। अगर गलती इनसे हुई है तो इनको गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। इतना क्या अहंकार हुआ कि हम गलती एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, हम बच्चों के गर्दन के ऊपर तलवार रखेंगे और बच्चों को ही हमेशा हम इसका इनके साल जाया करेंगे। आप इसी कॉलेज में पढ़ाते हैं? मैं इस कॉलेज में नहीं पढ़ाता, मेरा प्राइवेट इंस्टीट्यूट है अपना और मैं वहाँ पे पढ़ाता हूँ। ये बच्चे, ये खाली इतने ही बच्चे नहीं हैं, अगर सही में बच्चे देखे जाएं तो 250 से ज़्यादा, 300 से ज़्यादा बच्चे हैं जिनके साथ ये चीज़ हुई है। लेकिन वो सभी नहीं आ पाए, वो क्या रीज़न था? सभी नहीं आ पाए क्योंकि कई हमारे लद्दाख से हैं, कई किश्तवाड़ से हैं, कई दूर के इलाके के कॉलेज अभी लगे नहीं हैं, इसलिए वो इतनी दूर से आ नहीं सकते ट्रैवल करके हर दिन। तो इसलिए जितने सारे बच्चे ये हो सके हैं इतने सारे बच्चे आए हैं, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिसमें बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे साथ जो है हमारी आंसर की रिलीज होनी चाहिए, रीचेकिंग होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम पहले दिन ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे एक हफ्ता पहले हम अंदर जाके एप्लीकेशन देकर आए हैं, वो मेरे ख्याल से इन्होंने फाड़ कर फेंक दी होगी। उसकी रिसिप्ट भी मेरे पास पड़ी हुई है जो टेक्निकल बोर्ड ने, उस वक्त मैंने इनसे कहा था कि जो मैंने लेटर आपको दी हुई है 18 बच्चों की साइन की हुई, आप मुझे इसकी एक्नॉलेजमेंट दीजिए। तो ये एक्नॉलेजमेंट है, ये एक्नॉलेजमेंट उन्होंने दी थी कि आपकी एप्लीकेशन हमने रख दी है, हम सेक्रेटरी साहब से डिस्कस करेंगे, लेकिन इन्होंने कोई डिस्कशन नहीं की। इन्होंने फास्ट ट्रैक मेथड से क्या किया, इन्होंने नेक्स्ट एग्ज़ाम के जो नोटिफिकेशन है वो निकाल दी, नेक्स्ट एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन निकाल दी ताकि बच्चे जो हैं वो नेक्स्ट में एंगेज हो जाएं, नेक्स्ट के फॉर्म भरना शुरू कर दें और यहाँ पे जो ये मुद्दा है ये दब जाए। रीचेकिंग और आंसर की ये बच्चों का हक बनता है, हम चाहते हैं कि रीचेकिंग ऑफ द आंसर शीट्स होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है
सुप्रीम कोर्ट इसको आरटीआई के दायरे के अंदर लाता है, आप कौन होते हैं इसको वायलेट करने वाले? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, तो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल के ही तरीके से एग्जाम कंडक्ट होने चाहिए, यही हम चाहते हैं। थैंक यू। आप चाहते हैं कुछ हम बच्चों से भी बात करते हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुलफाम चौधरी है। कैसा एग्जाम हुआ था आपका? सर मेरा एग्जाम अच्छा हुआ था और एक ही सब्जेक्ट था मेरा और वही इन्होंने फेल कर दिया। मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपने कितना एग्जाम अटेम्प्ट किया था? मैंने जितना अटेम्प्ट किया था मैंने चेक किया था, वो इन्होंने कहा था कि अगर 10 क्वेश्चन सही होंगे तो आपको पास किया जाए, लेकिन वो 10 क्वेश्चन से ज़्यादा थे, तो जब रिजल्ट आया तो वो फेल था। अब मैं यही चाहती हूँ कि आंसर की हमें रिलीज की जाए और रीचेकिंग के लिए। आप लोगों ने उस समय काफ़ी प्रदर्शन किया था ऑनलाइन एग्जाम के लिए और एग्जाम भी दिया? यस सर, हमने दिया था एग्जामिनेशन के ऑनलाइन मांगे थे, हमने दे दिए उन्हें ऑफलाइन। उनकी आंसर सीट आती ही आती है, ठीक है, वो आंसर सीट करते आती आती है। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? टेक्निकल बोर्ड क्यों ये कर रहा है बच्चों के साथ? सर हमारी लाइफ खज्जर हो रही है, हमारी लाइफ के साथ सर ये पैसे इकट्ठे करने के पास बैठे हुए हैं। बच्चे पैसे दें, हमारा काम चलना चाहिए, बाकी बाहर पे जाएं। पैसे दे, साफ तौर पर ये चीज़ जो है बच्चे अपनी जुबान से कह रहे हैं और यहाँ पर यही मांग है। तो ये बच्चे यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि रीचेकिंग और आंसर कीज जो है वो दी जाए। जब तक नहीं देंगे तब तक टेक्निकल बोर्ड के खिलाफ ये प्रदर्शन जारी रखेंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। विजिलेंस पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाल, पॉलिटेक्निकल कॉलेज जम्मू।